बिसमीम स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू थाउजेंड सिक्स का ये पेपर एम आई जून में आया है ब्राउनियन मोशन इज सीन बाय लुकिंग ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स थ्रो माइक्रोस्कोप हाउ डू द स्मॉप पार्टिकल्स मूव इन द ब्राउनियन मोशन किस तरह से पार्टिकल्स मूव करते हैं बिल्कुल भी सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते ए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है रेंडमली मूव कर रहे होते हैं बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है लेकिन फिर भी देख लें सी में क्या लिखा है सर्कल्स में तो मूव ही नहीं करते तो सी पॉसिबल नहीं हो सकता वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजिशन तो वो तो सॉलिड में करते हैं तो इसलिए राइट ऑप्शन आपके पास इसमें बी है आपके पास एट रेंडम नंबर फोर्टीन ड्राइविंग अ कार काजेज द टेम्परेचर ऑफ द टायर इसमें रेस करता है बिल्कुल ठीक है दिस काज द प्रेशर ऑफ द एयर इन इन दिस टायर टू इंक्रीज वाई इज दिस देखें ऑब्वियसली अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी यानी कि स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसलिए स्पीड के ऑप्शन पर जाएंगे स्पीड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ए बी सी क्यों रॉन्ग है ये भी देख लेते हैं एयर मोलिक्यूल्स ब्रेकअप फ्रॉम द सेपरेट एटम्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक होकर सेपरेट एटम्स हो जाते हैं ऐसा हरगिज नहीं है एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड विद द राइज इन द टेम्परेचर एयर मॉलिक्यूल्स ख़ुद एक्सपैंड नहीं होते उनके दरमियान इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेज जो है बेसिकली वैसे इंक्रीज़ होता है इट्स सेल्फ नॉट एक्सपेंड्स द फोर्स बिटवीन द एयर मोलिक्यूल इंक्रीजेज बिल्कुल भी फोर्स यहाँ पे बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही बेसिकली उनके दरमियान अगर फोर्स इंक्रीज होती तो फिर वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते और एक दूसरे के करीब आ जाते तो ऐसा हरगज नहीं हो रहा इसलिए डी ऑप्शन जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं द स्पीड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस दिस इज़ अ करेक्ट वन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट आपके पास है नंबर फिफ्टीन टू मार्क अ टेम्परेचर स्केल ऑन अ थर्मामीटर फिक्स पॉइंट्स आर नीडेड विच इज़ अ फिक्स पॉइंट देखिए दो ही पॉइंट्स फिक्स पॉइंट होते हैं एक होता है आपके पास प्योर मेल्टिंग आइस वर्ल्ड मैंने यूज़ किया प्योर मेल्टिंग आइस जिसमें इम्प्योरिटी ना हो क्योंकि अगर इम्प्योरिटी होगी तो उसमें फिर वो उसका जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा इसी तरह से हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए स्टीम पॉइंट ठीक है ना और वहाँ पे भी हमारे पास ये दो ही टेम्परेचर होते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस होता है और एक होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देख लेते हैं द बॉटम एंड ऑफ द थर्मामीटर ट्यूब बिल्कुल भी नहीं बॉटम एंड हो सकता है माइनस में आ रहा हो तो आपका फिक्स पॉइंट तो ना हुआ मतलब बहुत सारे थर्मामीटर हैं उन पर माइनस टेन डिग्री सेल्सियस मार्क हुआ हुआ होता है और अपर उनका जो पॉइंट होता है जो ऊपर सबसे ऊपर मार्क हुआ हुआ होता है वो वन हंड्रेड टेन वन ट्वेंटी वन थर्टी वन फोर्टी होता है तो वो ना अपर और लोअर पॉइंट जो होते हैं ये इनके फिक्स पॉइंट नहीं होते आपका जो फिक्स पॉइंट होता है हमेशा वो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर द टॉप एंड ऑफ द थर्मामीटर ट्यूब ये भी नहीं हो सकता द टेम्परेचर ऑफ द प्योर मेल्टिंग वाइस बिल्कुल ठीक है तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन द टेम्परेचर ऑफ द प्योर वार्म वाटर भाई वार्म वाटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है वाटर आपका फिक्स पॉइंट नहीं है आपके दो ही पॉइंट होते हैं फिक्स मेल्टिंग और बॉयलिंग अच्छा क्यों इनको हम लेते हैं फिक्स पॉइंट ये भी बात है वाराम वाटर का क्यों नहीं लेते या हम टेन डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं ले रहे या ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वाटर का पॉइंट हम क्यों नहीं ले रहे है? हम क्यों जीरो ले रहे हैं हम क्यों हंड्रेड ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं जीरो और हंड्रेड ये फिक्स पॉइंट इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज होती हैं और स्टेट चेंज होने को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल होती हैं जबकि टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी इसमें हम कुछ ऑब्जर्व करके तो नहीं बता सकते कि पानी का टेम्परेचर इस टाइम ट्वेंटी है या इस टाइम थर्टी है लेकिन जब पानी जब आइस मेल्ट हो रही होती है तो वो हम ज़ीरो डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल है हम उस वक्त देख सकते हैं तो दैट्स वाई ज़ीरो डिग्री सेल्सियस आपका फिक्स पॉइंट होता है आपका और इसी तरह से फिक्स पॉइंट में आपका जो बॉयलिंग स्टार्ट होती है तो वो भी आपके ऑब्जर्वेबल होती है आप उसको देख सकते हैं कि हाँ भैया बॉयलिंग शुरू हो गई है तो वो भी आपका ऑब्जर्वेबल होता है इसलिए आपका जो टेम्परेचर है जो फिक्स पॉइंट होता है वो अपर फिक्स पॉइंट आपका स्टीम पॉइंट होता है जिसको आप हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कहते हैं और आपका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो आपका मेल्टिंग आइस होती है जिसको आप जीरो डिग्री सेल्सियस कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है जी ठीक है आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नंबर सिक्सटीन पे चलते हैं फोर ब्लॉक्स मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स आर ईच गिवन द सेम क्वान्टिटी ऑफ द इंटरनल हीट एनर्जी विच ब्लॉक विच ब्लॉक्स हैज़ द ग्रेटेस्ट थर्मल कैपेसिटी याद रखिएगा ज़्यादा थर्मल कैपेसिटी अगर किसी की होती है तो उसका मतलब है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है ठीक है ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है और टेम्परेचर में इतना ज़्यादा रेज नहीं आ रहा था उसका मतलब ये देख लें अब आपके पास ए बी सी और डी फोर ब्लॉक्स हैं और मैं आपको टेम्परेचर शो करता हूँ उनके कितने हैं नज़र आ जाएंगे आपको ब्लॉक ए में सेम एनर्जी हमने इन चारों को दी है जबकि ब्लॉक ए में जो इंक्रीज़ आ रहा है सेम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो जस्ट टू डिग्री का इंक्रीज़ आया है ब्लॉक बी में वही एनर्जी रिलीज़ की उसने वो फोर डिग्री तक इंक्रीज़ कर दिया ब्लॉक सी जो है वो सिक्स डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है उसमें जबकि ब्लॉक डी एट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसमें इंक्रीज आ चुका है सेम एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की ठीक है ना और एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसमें टेम्परेचर में इतना चेंज नहीं आ रहा ठीक है अब जिसमें ज़्यादा चेंज आ रहा होता है उसमें इसका मतलब है कैपेसिटी कम है एनर्जी को एबजॉर्ब करने की वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें टेम्प्रेचर में अगर ज़्यादा तेज़ी से चेंज आ रहा है तो उसकी कैपेसिटी कम है लेकिन अगर किसी में स्लोली चेंज आ रहा है इसका तो मतलब है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा कैपेसिटी जो हुई हमारे पास वही ए की क्योंकि हमने इन चारों को सेम एनर्जी दी थी लेकिन जो चेंज आया टेम्परेचर का वो सबसे कम आया ए में तो हम कह सकते हैं जो थर्मल कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा थर्मल कैपेसिटी ए की है आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे ठीक है ना, ना इंशाल्लाह ताला इसमें दैन uh, I will discuss the next MCQs with you guys. Thank you. So nice of you.